तो अभी ट्विटर क्लोन देखने वाले हैं, तो हम मेवन प्रोजेक्ट बनेंगे लैंग्वेज जावा वर्जन, एंड देन इसको नाम देंगे ट्विटर। ओके ट्विटर क्लोन, एंड देन 17 जावा डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ओके तो सबसे पहले तो स्प्रिंग वेब जेपीए MySQL एंड डेवलपर टूल स्प्रिंग बूट डेव टूल्स एंड एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके तो हमने ये पांचों डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, एंड देन जनरेट। ठीक है तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है और मैं अभी इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है एंड फिनिश। ओके तो ये हमारा बन गया है, तो ये जब तक के इंपोर्ट इंपोर्ट होता है मैवन प्रोजेक्ट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बुधवार बता दिया डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, हमारा डेटाबेस कौन सा रहेगा। लेट से मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ ट्विटर डीबी या ट्विटर क्लोन डीबी। ठीक है मैं ऐसा नाम रखता हूँ जो डेटाबेस करेंगे उसका यूज़र नेम पासवर्ड, एंड देन ड्राइवर MySQL एंड जेपी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट ट्रू। देन सर्वर हमारा 8087 पे है, और ये हमारे ये कुछ काम का नहीं है, ये सिक्योरिटी का। ठीक है तो ये हमारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जेपी कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। और हमारे ट्विटर में फॉर्म डॉट एग्जाम अप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो कि हमारे रिसोर्सेस में रहेंगी यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके ठीक है तो फॉर्म डॉट एग्जामल में भी पूरी डिपेंडेंसी आ गई है। ये देखो फॉर्म डॉट एग्जामल में पूरी डिपेंडेंसी आ गई है। ठीक है ठीक है तो कभी ये साइड का बाहर चल जाए ना, तो तुम विंडो में जाके पर्सपेक्टिव एंड देन रिसेट पर्सपेक्टिव कर दिया करो, सो आ जाएंगे। ओके तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, एंड देन यस ये हमारी फॉर्म डॉट एग्जामल फाइल है, इसके अंदर हमने जो जो डिपेंडेंसी ऐड कर दी है वो आ गई है, जेपीएस स्प्रिंग सिक्योरिटी स्प्रिंग वेब डॉक टूल्स। ओके ओके तो प्री विजिट क्या है, ये प्रोजेक्ट के पहले तुमको क्या क्या आने को ना। तो सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट के पहले तो तुमको बहुत सारी चीज़ें आने को ना, दैट इज़ हाइबरनेट क्या है ये डिटेल में मैंने दो वीडियो में बता दिया है, और हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे बना दिया है वैसे तो अभी ये बताया हूँ मैंने, पर ये शॉर्ट में ये अभी बताया दिया है। लूज़कपल एप्लीकेशन ये थेरी है, और क्रड एप्लीकेशन में हमने बहुत कुछ देखा कि हम कैसे बनाते हैं, डिफरेंट लेयर्स देखे थे हमने, कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी वो जेपीए के में जेपीए में भी मैंने डिटेल में बता दिया था। ठीक है एंड देन मेन थिंग इज़ रिस्पॉन्स एंटिटी, ये रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है तुमको मालूम रहने को ना, ऑप्शनल क्लास ये क्या है मालूम रहने को ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम कैसे हैंडल करते हैं ये थेरी है, देन हमने उसको हैंडल करना सीखा था। ओके डीटीओ क्या है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ये मैंने डिटेल में बता दिया वो यूज़ करने वाली है, मॉडल मैपर क्या है ये भी बता दिया मैंने वो भी यूज़ करने वाले हैं, एंड देन एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत बेसिक्स बता दिए, तो एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन को हम बाद में कवर कर लेंगे। इसके अंदर क्या है बस स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड करने का है, और वो हो गया हमारा एप्लीकेशन जो कि मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी डिटेल में बता दिया, दैट इज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंटरनल वर्किंग देन JWT यूज़र यूज़र डिटेल्स यूज़र डिटेल सर्विस, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो कि है JWT को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम ये प्रोजेक्ट में देख ही लेंगे, तो वो इसका पार्ट भी हम वहाँ पे पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे। तो इतने पूरा तुमको कंसेप्ट आने को ना, जब जाके तुम ये प्रोजेक्ट बहुत डिटेल में कर सकते हो। ठीक है तो इसके अंदर है ना दो चीज़ और बताने वाला हूँ मैं, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड सेकंड वन इज़ रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो हम ये प्रोजेक्ट में कवर कर लेंगे, सो दैट मैं उसका एक अलग वीडियो ना बनूंगा। ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हम पैकेजेस बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाएंगे। ठीक है सबसे पहले तो हम एंटिटी बनेंगे, एंड देन एंटिटी के बाद बनाएंगे हम वो क्लास, नहीं हमें बनाना है पैकेज डॉट कंट्रोलर देन सर्विस देन रिपोजिटरी डॉट सर्विस देन रिपोजिटरी डॉट रिपोजिटरी। ठीक है और दो पैकेज बनाएंगे हम जो कि फिल्टर रहेगा डॉट फिल्टर
इसके अंदर हम JWT फिल्टर बनेंगे, वो हम डिटेल में देखेंगे। JWT रिक्वेस्ट फिल्टर एक क्लास बनेंगे, ओके। और एक हमारा रहेगा यूटिल्स, जो कि हम हेल्पर क्लास भी बोल सकते हैं, डॉट यूटिल जो हमारी हेल्पर क्लास रहेंगी, ठीक है। और एक हो गया हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है। इसके अंदर हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके। एंड देन और हमारी रहेंगी DTO की, जो कि रहेंगी डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट के लिए, और हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन एक पैकेज बना देंगे, डॉट एक्सेप्शन। तो इतने पूरे हमको पैकेजेस चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अब डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले तो हम यूज़र एक एंटिटी बनेंगे, एक क्लास, एक यूज़र एक एंटिटी बनेंगे, एक आर एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यूज़र एक क्लास है स्प्रिंग के अंदर, ओके।